अब हम आ गए न्यू महल और मैं आप लोग को इस जगह का विजिट करवाऊंगी। हम एफएफसी मॉडल स्कूल से हैं और हमारी यहाँ पर पिकनिक आई थी बहावलपुर में, तो यहाँ पर हमने आपको न्यू महल हमने कहा आपको विजिट करवा दें, तो आपको मैं सारी चीजें दिखाती हूँ। महल के अंदर हम दाखिल हो गए हैं और यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी दिखाते हैं, ये आफ्टर रेनोवेशन इनकी जब हुई, और इन द पास न्यू महल। अब जहाँ पर नूर महल के पूरी वजाहत के बारे में और उसके बारे में बताया जा रहा है, नूर महल कैसा है सारा इसमें दिखाया जाता है और रियासत वगैरह के बारे में भी दिखाया जाता है। अब ये अब मेरे साथ अनीस भी हैं और ये आपको बताएंगी कि ये क्या क्या है। जैसे कि ये फर्स्ट फोर्ट है नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का। उन्होंने 723 से 746 तक फाइट भी इन 1746 पे हुए और एक बैटल के दौरान हुए। और दूसरे ये फर्स्ट पे जो है नवाब मोहम्मद बहावर खान अब्बासी जो फर्स्ट पे थे, और इन्हें भी 1746 से 1749 तक की इम्पोर्टेंस और इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, और इससे लोग काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं और काफ़ी पता चलता है उन्हें हिस्ट्री के बारे में, जिससे उनको पता चलता है कि भावलपुर कैसे, भावलपुर बेसिकली 1947 से पहले का है, इस वजह से इसके काफ़ी हिस्ट्री है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा, आपको दिखाते हैं नवाब मुबारक खान अब्बासी की तरफ। चलिए, ये भी 1749 से 1770 तक, और ये इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है जिससे पता चलता है कि इनकी क्या लाइफ के बारे में। और ये जो है नवाब मोहम्मद बहावर खान अब्बासी हैं, इस तरह बेशुमार अब्बासियों की तस्वीरें लगाई गई हैं क्योंकि बहावलपुर नवाबों का शहर है और इसमें काफ़ी नवाब की हिस्ट्री है। अब हम आपको दिखाएंगे कि नवाब का स्टैचू, और लोग यहाँ जाके अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं जिससे वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और काफ़ी अपने मेमोरीज बना रहे हैं। और ये नवाब सादिक खान का पोर्ट्रेट लगा हुआ है ताकि लोग अपने मेमोरी और अपने बनाए इनके साथ और अपने नाम के हिस्ट्री को ताज़ा करें दोबारा से। तो ये आप देखें। चलिए अब हम यहाँ आपको और विजिट करवाते हैं। नवाब साहब की बिल्डिंग है सारी, आप देख रहे हैं कितनी प्यारी है, बनाई गई है, और आप इसमें देखें तो हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि तब के दौर में भी कितनी खूबसूरत चीजें बनाई गई। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब हम आए हैं वेस्टर्न हॉल, और इसके बारे में आपको नहीं बताया। अब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत मजीद मालूमात का पता चलेगा कि नवाब के और लोगों के बारे में पता चलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। आपकी मेमोरी एक बनती है और एक आपके इजाफा होता है इनमें। सो यही नहीं दिखाना ये नवाब सैयद सादिक मोहम्मद खान अब्बासी है। ये 1905 तक यहाँ पर थे, और यहाँ पर इन्होंने जो इंट्रोड किया नूर महल को 1924 में किया। और अब हम आगे चलते हैं, इसे ये हम आप लोग को दिखाते हैं। विलेज वैली प्रोजेक्ट, रेफ्यूज रिहैबिलिटेशन, शहरबाग, पोस्टल सिस्टम और हज फैसिलिटीज और पावर जनरेशन। अब हम चलते हैं आगे। चले पॉलिटिकल सिस्टम और इनका लास्ट मैसेज ऑफ नवाब, ये एसोसिएशन ऑफ स्टेट ऑफ बहावलपुर इंडिया लॉबलिंग बहावलपुर स्टेट और लव फॉर गाइड पाकिस्तान, बेनिफिसेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान के बारे में बताया गया है, ज्यूडिकल सिस्टम बताया गया है उन्हें, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम बताया गया है कि उस दौर में कैसा था नवाब के दौर में, भावलपुर स्टेट प्रिंटिंग प्रेस उस दौर में भी था, बहुत हैरतगन बात है, लीगल एडवाइज़र लॉयर कैरेज के बारे में बताया हुआ है, अच्छा है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन भावलपुर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी थी जो भावलपुर में उसके बारे में बताया गया है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन भावलपुर, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान स्टेट आर्मी, भावलपुर स्टेट आर्मी मतलब बताया गया कि मुख्तलिफ ये सेकंड है, ठीक है, भावलपुर स्टेट आर्मी बहुत ही आपके इल्म में बताए गए इजाफे के लिए कि बिफोर पार्टीशन क्या क्या चीज़ में ये 3 ईयर्स, फिर 7, फिर 10, फिर 17, फिर ये स्टाइलिश फोटोग्राफ इनकी, फिर ये सारा ये आप दिखा दें सारा, उसके बाद आगे इसमें फोटोग्राफ एट द एज ऑफ 61, उसके बाद आगे चलते हैं, ये सारा इनका रिसीविंग गार्ड ऑफ ऑनर और नवाब सादिक
नवाब सादिक अलॉन्ग विद अदर स्टेट्स. ये इनकी फैमिली पिक्चर्स एंड लाइफस्टाइल है. आगे ये इनकी मीटिंग विद डिग्निचर्स और आगे पॉलिटिकल पिक्चर्स. चलो बस. और ये ऊपर से दिखा दें बिल्डिंग इनकी. ये इनका बेड है नवाब शाह का. और ये इनका पूरा कमरा आप दिखा दें. पूरा महल है इतना प्यारा माशाल्लाह. ये गिलाफ का काबा है जो खाना काबा से बेचा जाता था. और आगे ये हाकरा केक एंड रात से मिलने वाली चीजें. और आगे और ये सारी प्रिंटिंग है इनकी, प्रिंटिंग जो इन्होंने करवाई थी. और ये आगे इनका टोगर, हाँ नवाब साहब का सेहरा. और आगे ये सिल्वर बाउल्स वगैरह, ये इनकी सारी चीजें. और ये हाँ इस्माइल शुदा. और ये आर्मी यूनिफॉर्म भी उनका, ये वही है उनका यूनिफॉर्म, रॉयल ब्रांड ड्रेस. अब हम चलते हैं आगे. इवरात है इनके, नहीं मतलब इनकी जो बीवी थी उनके और बेगमात के, ये सब कुछ है. और फिर ये आगे इनकी पोट्री का कोई सामान पड़ा है, बर्तन वगैरह, मिट्टी के बर्तन. और ये आगे इनके कपड़े वगैरह पड़े हैं और स्नेक चार्मिंग वगैरह सब कुछ. फिर आगे इनका ये सारा दिखा दो, ऊपर से भी बिल्डिंग दिखा दो, फ्लोरा भी है. और फिर आगे कल्चर ऑफ चोलिस्तान, हैंडमेड है सारी चीजें इनकी. और ये इनका ब्राइड ड्रेस. अभी हम बाहर निकलने वाले नूर महल से. अब आते हैं हम बाहर. उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा या अच्छा व्लॉग लगा होगा. तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज. बाहर का व्यू सारे दिखा रहे हैं. और मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स भी हैं, इनसे आप पूछें कि इनको कैसा लगा नूर महल. आई थिंक इट वाज क्वाइट अ गुड प्लेस टू विजिट एंड वी टेक अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस महल. एंड इट्स माय फर्स्ट विजिट एंड सो आई रिकमेंड यू गाइस टू विजिट दिस व्हेनेवर यू वांट टू विजिट भावलपुर. और ये तो आपको बस एक आपको रिमाइंडर है कि आप हिस्ट्री के बारे में जानें. और हिस्ट्री के बारे में तो हर कोई जानने के लिए पसंदीदा उसकी ख्वाहिश होती है कि हम भी जानें कि आखिर क्या था. तो नवाबों के बारे में तो हर चीज़ उन लोगों ने ब्रीफली बताई भी है. तो इट्स क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस.